तो गाइज़ मैंने आज सुबह उठ के देखा कि हमारे घर के बाहर सांप मरा हुआ था, और अभी तो आपको छोटा दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मर गया या फिर कोई से मार दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। आपने देखा कि मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी। मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने बालकनी से देखा तो वहाँ पे सांप मरा हुआ था। वो बहुत ही मोटा सांप था और बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर का था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो सांप मरा कैसे था। फिर भी अभी सावन का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि सावन के टाइम में ऐसे सांप को मरा हुआ देखना। वो आज मॉर्निंग से ही मैंने, आप देख सकते हो, दरवाज़ा मैंने बंद करके रखा हुआ है। क्या है ना कि दरवाज़ा बंद रहने से मेरा गैलरी तरफ बार बार ध्यान नहीं जाएगा और मैं बार बार जाके वहाँ पे देखूंगी नहीं। गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना और आलू की सब्ज़ी। तो आप भी देख लीजिए कि मैं चना और आलू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। अचानक से बाहर में धूप आ गई है, तो मैंने कल धोए थे कपड़े, तो मैंने कपड़े सुखाए तो आधे कपड़े ही सूखे थे कि बारिश से स्टार्ट हो गई। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारे कपड़े निकाल के वापस नीचे ही रख दिया। अभी आ गई है धूप, तो मैं सोच रही हूँ जाके वापस डाल लेती हूँ रस्सी पे ताकि कपड़ों को धूप लग जाए। चने उबल रहे हैं और ग्रेवी के लिए मैंने प्याज भी पीस लिया है। तो फिर मैं जाती हूँ और जल्दी जल्दी से कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर धूप कब चली जाए और वापस से बारिश से स्टार्ट हो जाए। तो कपड़ों को थोड़ा सा धूप और हवा तो लगना ही चाहिए। तो गाइज, आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा धूप आ गई है और मैंने यहाँ पे सारे कपड़े सुखा दिए। अब भगवान करे तो प्लीज़ अभी बारिश ना हो, 1-2 घंटे में मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे, फिर मैं इन्हें निकाल के ले जाऊंगी। और गाइज, जो मैं तुलसी माता लेके आई थी तो वो मैंने नीचे सीढ़ी पे रखा हुआ था, अब मैं छत पे लेके आ गई हूँ। आप देख सकते हो कि तुलसी माता कितनी हरी भरी हो गई है। यहाँ पे पूरा खेत में पानी भर चुका है, आप देख सकते हो कि पूरा सब तरफ पानी ही पानी है। इन्हीं खेत से ही निकला होगा शायद सांप। हो गई है छांव, पानी बस मत गिरे नहीं तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे वापस से कपड़ा सुखा के। अब देखते हैं कि चना उबला है या नहीं उबला है। Thank you.
6:30 बज रही है और मैं ऊपर से कपड़े लेके भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैं सारे कपड़े लेके आ चुकी हूँ और मैंने इसकी घड़ी भी कर दी है। शाम हो गई है और यहाँ पे बच्चों का शोर शराबा चालू हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर। तो गाइस यहाँ पर रात हो गई है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। जब बिजली चमकती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो गाइस बादल अभी बहुत ज़्यादा गरज रहा है तो बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है और लाइट गोल भी हो सकती है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विचेस विचेस मेरा व्लॉग। कल के व्लॉग में मिलते हैं। बाय गाइस।